से सीधा देखिए। आपके निकटतम परिजनों, वीर नारियों तक पहुंचना और आपसी अपनत्व को बढ़ावा देना, पेंशन से संबंधित उनकी समस्याएं, विसंगतियों का निवारण तथा चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सीय सेवाओं प्रदान करना, भारतीय सेना तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी का प्रसार करना। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी रेजिमेंट हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही है और देश की सर्वोत्तम रेजिमेंटों में हमारी रेजिमेंट का नाम शामिल है। पिछले एक साल में मैंने रेजिमेंट की तकरीबन सभी यूनिटों का दौरा किया और सभी यूनिटों का उच्च स्तर देखते हुए मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई। रेजिमेंट ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स या अन्य गतिविधियों में अपना परचम लहरा कर रखा है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो जहाँ पर 2 जैकेट है, पाकिस्तान से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पे हमारी काफी यूनिटें हैं, चीन के साथ लगी हुई हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिसमें हमारी कई यूनिटों को यूनिट साइटेशन भी प्राप्त हुआ है, या CICT में हमारी RR यूनिट्स हैं जिनको भी यूनिट साइटेशन प्राप्त हुआ है। हर जगह हमारे रेजिमेंट की यूनिट अपना शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। जहां तक अग्निवीर का सवाल है, ट्रेनिंग के बारे में आपको सेंटर कमांडर साहब ने बता ही दिया है। इन अग्निवीरों में कुछ से ऐसे अग्निवीर होंगे जो 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके समाज में वापस आएंगे, आपके बीच में आएंगे और मुझे विश्वास है कि रेजिमेंट के साथ 4 साल जुड़े रहने के बाद ये अग्निवीर भी एक अटूट बंधन में रेजिमेंट के साथ जुड़ जाएंगे, जिसके लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है कि आप उनको कैसे इसी सोसाइटी में वापस शामिल कर दें। अग्निवीर में अब नई पॉलिसी के तहत लिखित परीक्षा कैसी पहले होगी जैसे आपको बताया गया है, और लिखित परीक्षा में जो पास होंगे वो फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसीलिए मेरे सारे एक्सर्विसमैन से ये एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को भी पढ़ाएं लिखाएं, उसको पहले रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रेजिमेंट के ज्यादा से ज्यादा जवान तथा भूतपूर्व सैनिक यानी एक्सर्विसमैन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से हैं। इसलिए हमने ये योजना बनाई है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सर्विसमैन रैली का आयोजन इन इलाकों में करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सर्विसमैन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निवारण कर सकें। मेरी कोशिश है कि मैं अपने भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियों के उनके घर में जाकर मिलूं, कुछ मैं जगह पर जाकर मिला भी हूं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने बारामूला, श्रीनगर, पालमपुर, लेह, अखनूर, रजौरी और देहरादून में भूतपूर्व सैनिकों वीर नारियों से मुलाकात भी की है और आगे आने वाले दिनों में अनंतनाग, अमृतसर, जुतोग यानी शिमला और दार्जिलिंग में भी रैली का आयोजन है। इसमें और भी कोशिश करेंगे।